अपने पसंदीदा शो देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। कमाल है, हम तो कब से इनके होश में आने का इंतजार कर रहे थे, पर इनको होश ही नहीं आ रहा था। लेकिन देखिए, आपके आते ही इनको होश आ गया। सीओ बिंदिया, समझने की कोशिश कीजिए अभिजी, ये सब नाटक है ना। चल ही जाओ यहाँ से बिंदिया, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखती है। हम ठीक है, आप लोग जा सकते हैं। शंभू काका, आप इन्हें बाहर छोड़िए, दरवाजा बंद कर दीजिए। जी, ध्यान रखिए आप। मैं लेता हूँ। जब जाना ही था तो आए किस लिए थे? शान जताने के लिए? यही तो मैं समझ नहीं पा रहा हूं बिंदिया, कि मैं यहां क्यों आया हूं। क्यों तुम्हारी तकलीफ की खबर सुनकर मुझसे रहा नहीं गया? समझ नहीं पा रहे या समझना नहीं चाहते, सच से भाग क्यों रहे हैं अभय जी? आपके सामने है सच, हम हैं आपका सच, लेकिन आपको बस वो झूठ दिखाई दे रहा है जो आपको दिखाया जा रहा है। बस करो बिंदिया, मुझे नहीं सुननी तुम्हारी बकवास। हम कोई बकवास नहीं कर रहे अभय जी, सच बोल रहे हैं। सच बोलने में हम कभी पीछे नहीं हटते। तुम सच नहीं बोल रही हो बिंदिया, तुम सच छुपा रही हो, अपनी सच्चाई। क्या है हमारी सच्चाई कहिए? जब से हम इस सहन में आए हैं तब से आप हमें जानते हैं, आपके सामने ही रहे हैं हम हमेशा, आपने देखा है हमें, जाना है, समझा है, पर इन सबके बाद भी आपको लगता है हम आपकी माँ की जान लेने की कोशिश करेंगे? आप नहीं जा सकते मुंह फेर के। बिंदिया, मुझे जाना तो यहाँ से। हम आपको नहीं जाने देंगे। मुझे जाना है। अभय जी, बताइए हमें, क्या हम ऐसे इंसान हैं आपकी नजर में कि हम ऐसी सब हरकतें कर सकते हैं? बोलिए अभय जी, आप चुप क्यों हैं? क्या हमारे बीच का रिश्ता इतना कमजोर है? हमारे बीच एक दूसरे के लिए भरोसा इतना कच्चा है? इस दुविधा में तो मैं भी नहीं जीना चाहता हूँ विद्या, इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं।
अभय कहाँ रह गया? अभी तक नहीं आया? हम अभी आते हैं। लगा दीजिए। अपने आप लगा लो। की मनपसंद की सारी चीजें बनाई हैं, देखिए। सही मायने में तो हमारी शादी आज हुई है। हमारे गांव में एक रिवाज है, जब पत्नी पूरी तरीके से पति की हो जात है तो उसकी सास और अम्मा
उसे सजाती सवारती भोग खिलाती है। हमरे नसीब में तो दोनों का ही प्यार नहीं। लेकिन भोलेनाथ का प्रसाद, उनका प्रसाद ही हमरे लिए सबसे बड़ा है। अभय जी, आप बिना बात किए ही जा रहे हैं, क्यों? मेरे पास किसी भी क्यों का जवाब नहीं है बिंदिया। मैं यहाँ क्यों हूँ, मैं ये सब कुछ जो कर रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक तरफ मैं तुमसे नफरत करता हूँ बिंदिया, क्योंकि तुमने मेरी माँ की ऐसी हालत की है। दूसरी तरफ ये सब मैं क्यों नहीं रोक पाया खुद को, क्यों कल रात को तुम और मैं में ना समझने वाली कौन सी बात है? हम पति पत्नी हैं अभय जी, इसमें क्यों इतना आप सोच रहे हैं, क्यों खुद को परेशान कर रहे हैं? अगर पति पत्नी के बीच दीवार होगी तो दोनों साथ कैसे होंगे? हम जानते हैं जो आसपास हो रहा है वो दुख देने वाला है, मगर उससे हम अपने रिश्ते को तो असर पड़ने नहीं दे सकते हैं ना। परिस्थितियों के तराजू पर रिश्तों को तोला नहीं जा सकता अभय जी। शिकायतों की बेड़ी पैर में बांध के आगे तो नहीं बढ़ सकते ना। पूरी रात बीत गई पर हमरा लल्ला ना उस बिंदिया के चुंगुल से निकलकर घर ना आ पाया ना। हम ऐसे हाथ पर हाथ धरकर इंतजार नहीं कर सकते, हमें जाकर वहां देखना होगा कि वहां क्या चल रहा है। हम जाते हैं। मैं आगे तो नहीं बढ़ पा रहा हूं बिंदिया, समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। ये सब कुछ जो हो रहा है मुझे तो चैन से जीने नहीं दे रहा है। मन मुटाव रख के भी कुछ हासिल नहीं होगा भैजी। ऐसा कीजिए, आप शांति से बैठ जाइए, हम चाय बना देते हैं, बातें कीजिए, मन हल्का कीजिए। नहीं बिंदिया, मैं नहीं रुकूंगा। यहाँ तो सिक्योरिटी है, देख लेंगे तो पहचान लेंगे। कैसे अभय के बारे में पता लगा है? सच में माँ की फिक्र है या फिर हमसे दूर जाने का कोई बहाना? तुम क्या बोल रही हो बिंदिया, तुम समझ ही नहीं रही हो मेरी उलझन। क्या नहीं समझ रहे अभय जी, हम तो सिर्फ एक मौका मांग रहे हैं, लेकिन आपको तो अपनी माँ पर अंधा भरोसा है और अपनी पत्नी पर जरा भी। बिंदिया प्लीज, फिर से शुरू मत हो जाओ, समझ पाओगी तुम मुझे, कभी भी नहीं समझ पाओगी। क्या करें, कैसे पता लगाएं, कैसे हम अंदर जाएं? मेरा गाड़ी लेके आना प्लीज।
अभय के घर पहुंचने से पहले हमें घर पहुंचना होगा, नहीं तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। अरे अरे मिली का सासू माँ, अरे पूरा घर ढूंढ लिया, पता नहीं कहाँ है अम्मा, मिली नहीं रही है, पता नहीं। अंजू जी तुम्हें कुछ पता है? जी हम उनसे सुबह मिले थे उन्हीं के कमरे में। उसके बाद कहीं तुमने अम्मा के साथ कुछ कर तो नहीं दिया? बता दे रहे हैं अगर अम्मा के साथ कोई भी उल्टी सीधी हरकत की ना, तुम्हारे पूरे मायके को हम बर्बाद करके रख देंगे। हमने सच में कुछ भी नहीं किया है। अरे कुछ भी बड़के साले साहब, कुछ भी बोल रहे हैं आप। अरे सासू माँ खुद गई होंगी कहीं। ए पत्नी जी। हाँ जरा फोन वा लगाओ। लगाते हैं। पहले हमें घर पहुंचना होगा, नहीं तो बात बिगड़ जाएगी। भैया भैया रुको, भैया भैया अरे रुको भैया रुको, अरे 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 रुको, क्या करें, अरे कैसे पहुंचेंगे घर? जानते हैं भोलेनाथ कि अभय जी के मन में अभी भी कई सवाल है, पर उन्होंने हमें अपना लिया है। मैं पूरा यकीन है कि अब हमारे बीच सारी गलतफहमी सब कुछ मिट जाएगा। आप आगे भी हमें मिलवाने का रास्ता बना ही देंगे भोलेनाथ, सबके साथ। अम्मा तो फोन ही नहीं उठा रही हैं। अरे साले साहब, अभय रात भर कहाँ थे तुम? अरे बिंदिया की खबर सुन के तुम ऐसे निकल गए थे और सीधा अब आ रहे हो? अरे चोट लगी थी उसे, तीमारदारी कर रहे होंगे साले साहब उसकी। वाह छोटे, बहुत अच्छे। अरे जिस औरत ने तुम्हारी अम्मा की ये हालत करी है, तुम्हें उसी की फिक्र हो रही है? मतलब रात भर तुम उसके माथे पर पट्टियां रख रहे थे? हाँ अभय, तुमको याद है ना तुमने बिंदिया को किस वजह से निकाला है घर से? याद है कि नहीं बताओ। माँ कैसी है? मैंने मिल के आता हूँ। अम्मा तो है ही नहीं घर पर, कहीं अम्मा की सच्चाई अभय को पता ना चल जाए। आखिर कैसे पता लगाए कि बिंदिया और अभय के बीच कल रात में क्या हुआ? अभय हमारी बात का जवाब नहीं दिए थे। ऐसी क्या तबीयत खराब थी कि तुम्हें पूरी रात वहां रुकना पड़ा?
देखो अभय, सिर्फ घर से बाहर निकाल देने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें बिंदिया को अपने दिल से भी निकालना होगा। एक मिनट, कहीं बिंदिया ने तुम्हें पट्टी तो नहीं पढ़ा दिया अम्मा के खिलाफ? जहर तो नहीं घोल दिया तुम्हारे दिमाग में? कोई सबूत तो पेश नहीं कर दिया ना उसने? अरे बोलो, क्या हुआ? बोलते क्यों नहीं हो? बिंदिया का फोन कल रात को, हम और हमारे पति अभय जी हमेशा हमेशा के लिए एक हो गए, हमेशा हमेशा के लिए एक हो गए, हमेशा हमेशा के लिए एक।